इस संस्था ने एक प्रोजेक्ट को बनाया है, जो संस्था प्रोजेक्ट को लेकर आई है, उनके जो फाउंडर हैं या जो भी संचालक हैं मिस्टर राकेश सूरी, सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करेंगे, उनको धन्यवाद देते हैं चीज के लिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, इससे बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो इसी के आपको इसी संस्था आगे बढ़ते हुए हम अब ये आपकी क्लास शुरू करेंगे। कंप्यूटर तो सबने दुकान पे जाते होंगे या कहीं भी मार्केट में गए होंगे, तो कंप्यूटर से तो आप परिचित हो ही, जानते हो कंप्यूटर क्या होता है। कौन कौन बच्चे जानते हैं, आज खड़े करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर किस किसने देखा है, सिर्फ देखा है, आज से आप चलाना भी सीखेंगे, कैसे ऑपरेट करते हैं इनको सीखेंगे। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे, पहले क्या, उसके बाद क्या, तीसरे बार नंबर पर क्या, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसको सब बच्चे बिल्कुल केयर फुल होकर के ध्यान से सुनाएंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूं कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यह कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप जब कंप्यूटर क्लास के लिए बैठें तो इन बातों का ध्यान रखें, कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप ना करें, अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। आपको इसे बताया गया है, आप आपस में बातचीत नहीं करोगे, किसी मदद की जरूरत है तो मुझको बोलोगे। ठीक है, जब आप सभी को सामने देखने के लिए बोला जाए तो आप सामने ही ध्यान दें। हर एक कोर्स के बाद आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। आइए अब कंप्यूटर सीखना शुरू करें। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, अभी तीन चार बातें इकट्ठी आ गई हैं, ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। अब कोई भी टीवी है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, मेन बात ये भी होती है कि उसको कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, आइए अब कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा कंप्यूटर क्या होता है, किसी को पता है, अगर पता नहीं है तो नहीं बोल सकते हो, नहीं है पता। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को आसान करती है, इसे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। क्या बताया गया कंप्यूटर क्या होता है, सुना नहीं सुना तो फिर से सुनो। अभी क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को आसान करती है, इसे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक ऐसी मशीन है जो हमारे कार्यों को बहुत आसान कर देती है और जल्दी भी करती है, काम बिल्कुल परफेक्ट होता है और जल्दी भी होता है, एक ऐसी उपकरण है बिजली से चलने वाला। ठीक है, अब आपको आगे जो चित्र दिखाए जाएंगे उनको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। अब पहले आपने देखा, समझा, सुना,
कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या कार्य से किए जाते हैं, ठीक है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि ये लोग क्या क्या कार्य। देखो सामने जो आपका चित्र है इसमें आप देखो क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, देखिए कोई बच्चा बताए किसी के बारे में कौन क्या कर रहा है। तस्लीमा बताओ, कुछ समझ में आता कोई क्या कर रहे हैं? सर पिक्चर बना रहा है। हाँ कौन? एक आदमी पिक्चर बना रहा है, ठीक है। दूसरा दूसरा अब आप ध्यान से सुनो कौन आदमी क्या काम कर रहा है, ठीक है। एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है। देखो सब आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। नंबर वन देखो वो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं पहले देखो पहले में। दूसरे नंबर पे दो आदमी कोई चीज ढूंढ रहे हैं वहां पे, ठीक है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा उसको वहां पे देख रहे हैं। नंबर तीन पे आइए, वो कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। उधर कोने में देखिए वो लेडीज है वो क्या कर रही है, ड्राइंग कोने पे, ठीक है। वो सामने एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है और ऊपर में एक जो महिला है वो क्या है, वो किसी गहन समस्या में फंसी है उसके बारे में कुछ उनका निवारण सोच रही है। सब आदमी पूरे वो काम कर रहे हैं, समझ में आया ना, ठीक। जो कि उनसे नहीं हो रहा है। इन सभी चित्रों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह सभी कार्य कंप्यूटर से कर सकते हैं? इतने सारे कार्य जो ये लोग कर रहे हैं क्या ये सभी कार्य कंप्यूटर से हो सकते हैं? यस सर। या नहीं? इन चित्रों को देखने के बाद आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए किया जाता है। अगर किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कंप्यूटर अपने में सीधे होकर बैठेंगे, आप रिलैक्स होकर इतने मत बैठिए नहीं तो आलस से आना शुरू हो जाएगा। कुछ और चित्रों को देखें। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, गाने सुनना, कैसा भी डॉक्यूमेंट बनाना। आगे और चित्रों को देखें और समझें। बच्चों कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं? कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, ठीक है, और ड्राइंग भी बना सकते हैं। जो ड्राइंग आप पैसे बनाते हो ना, ड्राइंग पेपर मांगते हो, साथ में ड्राइंग शीट होती है, पेंसिल लेते हो, रबड़ लेते हो, कलर लेते हो, वुड लेते हो, उसे बनाते हो, आप वही काम कंप्यूटर भी बड़े आराम से कर सकते हो। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर और किस लिए करते हैं? दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? बच्चों अभी आपको पता नहीं होगा कंप्यूटर का उपयोग लाइब्रेरी में भी होता है। अब एक लाइब्रेरी हमारे स्कूल में भी है, छोटी लाइब्रेरी है, तो उसको कंप्यूटर में कैसे देखते हैं, कौन बच्चा कौन किताब लेके गया है, किस किस बच्चे के पास क्या किताब गई है, उन्होंने जमा कराई है नहीं कराई है, टोटल किताब हमारे पास कितनी है, कितने बच्चे लेके गए और करंट अकाउंट स्टॉक हमारे पास क्या क्या किताबें हैं, ये हमें कंप्यूटर से पता चल जाता है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग बुक्स की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापिस आई है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप बैंक में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या आप में से कुछ बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ बैंक में गए होंगे,
फोन गया, हाथ खड़े करोगे? वहां भी कंप्यूटर से ही काम होता है। आजकल कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कंप्यूटर ना हो, छोटी से छोटी शॉप पे भी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है। बैंक में भी कंप्यूटर से काम होता है, क्या क्या काम करते हैं वो आप सुनेंगे। उपयोग करते हैं आप पैसे जमा करने गए, आपने पर्ची भरी, पैसे गिन के दिए, जो क्लर्क बैठे होते हैं उनको दे दिया आपने, वो कंप्यूटर में डालते हैं, ऐसे डाल के ऐसे टक करके आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, आपको पर्ची दे देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज सकते हैं? हाँ, मनी ट्रांसफर भी हो जाता है कंप्यूटर द्वारा। अब जैसे मैं, आपने मेरे पास पैसा भेजना है, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप मेरे पास सीधा मेरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हो, या बैंक से भी ट्रांसफर सीधे हो जाते हैं। दिए गए चित्र को देखकर बताएं, क्या आप रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? जब आप गांव जाते हो उससे पहले आपको टिकट बनवाना होता है ट्रेन का, ठीक है। तो स्टेशन पर जाते हो, टिकट बनवाते हो, वो टिकट जो बनाते हैं जो सर बैठे होते हैं वहाँ, वो कंप्यूटर से ही टिकट बना के आपको देते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर से और क्या क्या जानकारी मिलती है रेलवे के बारे में वो भी सुनो। या नहीं, रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की रिजर्वेशन की जाती है, कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब, और अब पता लगा आपको रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं, टिकट बनाने के लिए, ट्रेन की जानकारी रखने के लिए, कौन ट्रेन कितनी लेट है, कब आएगी कब जाएगी, वो सारी जानकारी कंप्यूटर से हमें मिल जाती है। चित्रों को देखें जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, मेट्रो स्टेशन पर, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। कहने का मतलब ये बच्चों, आप जहां भी जाएंगे वहीं आपको कंप्यूटर जरूर मिलेगा। आजकल सब काम कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे एक शॉप हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे आप मॉल में जाएं, चाहे मेट्रो में जाएं, कहीं भी जाएं, आपको वहीं कंप्यूटर से आपका मुलाकात जरूर होगी। सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं, रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बच्चों? गाना सुनने के लिए। हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं, टीवी का रेडियो में क्या समाचार सिर्फ आप सुन सकते हो, टीवी में समाचार सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, वही काम आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, गाना भी सुन सकते हो, समाचार भी देख सकते हो, समाचार पढ़ भी सकते हो, ठीक है। उपयोग क्यों करते हैं? पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे, लेकिन आजकल बच्चों टीवी देखने में तो हर कोई माहिर है आप में से, ठीक है। कार्टून खूब देखते हो आप लोग, छोटा भीम, बड़ा भीम है, ये सब देखते हो ना, ठीक है। वही चीजें कंप्यूटर पे देख सकते हो और कार्टून्स भी देख सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग करते हैं? ड्राइंग के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है आपको? ड्रॉइंग शीट तो सबसे पहले चाहिए ना, बनाओगे कि दीवार पे? ड्रॉइंग शीट, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ब्रश एंड कलर, ठीक है। पहले आप सभी ड्रॉइंग करने के लिए ड्रॉइंग शीट का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्रॉइंग कर सकते हैं। पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था। पहले क्या था, पहले ड्राइंग शीट मांगेंगे सर से, ठीक है, पेंसिल लेंगे, शॉर्पनर लेंगे, इरेजर लेंगे, कलर लेंगे, सारा सामान को पहले हम इकट्ठा करते हैं, तब वो काम हम कर पाते हैं। ये सारी चीजें हमें कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं, सब चीजें कंप्यूटर में, शीट भी है, कलर भी है, पेंसिल भी है, इरेजर भी है, सब कुछ है।
आप ध्यान से देखोगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। पर अब एक कंप्यूटर के आ जाने से ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर, मूवी देखना हो तो कंप्यूटर, ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर, कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर, गेम खेलना हो तो कंप्यूटर। इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं। पहले अलग अलग काम के लिए अलग अलग हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती थी, आजकल कंप्यूटर द्वारा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब आप सभी सामने दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। देखो ध्यान से ये चित्र जो सामने आपके हैं उनको ध्यान से देखो और मैं बताओ कि सारे कार्य कंप्यूटर से हो सकते हैं क्या। देखो ध्यान से देखो चित्र, क्या सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जा सकते हैं? यस और नो? अब आप ध्यान से देखोगे और सुनना या नहीं, क्या आप सब कंप्यूटर से दोबारा चला सकते हैं? अभी तो आप कह रहे थे सारे काम कंप्यूटर से हो सकते हैं, दोबारा नहीं चला सकते क्योंकि इसमें हवा नहीं होती है। हवा कैसे भरोगे? हवा तो पंप से भरोगे ना, ये पंप तो होता नहीं है, तो इसे गुब्बारा बनाने का काम कंप्यूटर से हम लोग नहीं कर सकते। या नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर से हिसाब जैसे कि जोड़ना घटाना, जोड़ घटा गुना भाग कंप्यूटर से हम लोग कर सकते हैं? यस सर। यस सर। क्यों कर सकते हैं? उसकी एक वजह है, क्यों कर सकते हैं देखो सुनो। आप कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, आप कंप्यूटर से अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। आजकल तो ये तो कंप्यूटर बहुत बड़ी उपकरण हो गया, लेकिन आजकल मोबाइल में भी आपका कैलकुलेटर होता है। क्या हम कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं? ड्राइंग कर सकते हैं। आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ड्राइंग शीट यानी कि पेन की फाइल होती है जिसके बारे में आप आगे सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं? क्यों? अभी तो कह रहे थे आप कंप्यूटर सारे काम कर सकते हैं, रोटी क्यों नहीं बना सकते? बेटा इसमें रोटियां इसलिए बना सकते हैं, इसमें चकला नहीं होता, बेलन नहीं होता, आटा नहीं होता, सब्जी नहीं होती, कुछ नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसमें रोटियां भी नहीं बन सकती। और क्या हो सकता है आगे देखो? या नहीं, आप कंप्यूटर से रोटियां नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर से आप ड्राइंग और हिसाब तो कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर से आप गुब्बारा और रोटियां नहीं बना सकते हैं। इन चार कार्यों में से दो कार्य ही कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं, दो कार्य नहीं कर सकते। तो कौन कौन से कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किए जा सकते बताएंगे? और कंप्यूटर द्वारा क्या कर सकते हैं? ताली बजाओ पहले। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पहले आप जानते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो सिर्फ आपने इतना ही सुना होगा कंप्यूटर कोई होता है, है? कोई कंप्यूटर कोई उपकरण ऐसा होता है, ठीक है। कंप्यूटर बच्चों कई प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आगे नेक्स्ट मूवी में आप देखेंगे। कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। अब याद रखना मैं पूछूंगा आपसे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? चार। दिमाग में बिठा कर रखना ये चीजें, ओके। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर रखकर उपयोग में लाया जाता है। ये जो आपके सामने कंप्यूटर रखे हैं
इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि डेस्क का मतलब कि टेबल, कि टेबल पर रखकर इसको चला सकते हैं, ठीक है। नंबर वन डेस्कटॉप कंप्यूटर, ओके। इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके चार भाग होते हैं, क्या बताया गया अभी, कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या है, उनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में आंखें अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, कान अलग है, हाथ पैर अलग है, सब इसको इकट्ठा जोड़ दिया गया है। इसी तरह से कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सुनो ध्यान से। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। कितने पार्ट्स बताए, चार। क्या क्या, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर। अब आपको मैं आगे आगे बताता हूँ क्या क्या है, ठीक है। अब आपकी सीट पे एक डेस्कटॉप रखा हुआ है, ये इसको मॉनिटर कहेंगे। ये अपने कंप्यूटर का क्या पार्ट्स है, मॉनिटर। अब आपके नीचे टेबल के नीचे एक डबल रखा हुआ है, को खींचो पीछे, पीछे खींचो हर बच्चा। ये जो आपके सामने निकल के आया है, इसको क्या कहेंगे, कीबोर्ड। क्या है ये, कीबोर्ड। नंबर तीन ये माउस, क्या बोलते हैं इनको, माउस। और ये जो नीचे बड़ा सा डब्बा रखा है, नीचे देखो अपने अपने टेबल के नीचे, ये सीपीयू, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन। कंप्यूटर सारा यहीं से, सारी चीजें यहीं से चलती हैं, ऑपरेट होती हैं, ठीक है। जो आगे काम होता है वो हमें दिखाई देता है इस पे, और काम क्या करना है वो हम कीबोर्ड से करते हैं। यही चीज आप आगे से सुनोगे, ठीक है। फोर, नंबर वन मॉनिटर, यस। नंबर टू कीबोर्ड, यस। नंबर थ्री माउस, मॉनिटर। तो पहले हो गया सीपीयू, जो नीचे रखा है जो आपको दिख नहीं रहा है, सीपीयू। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ब्रेन दिमाग होता है, ठीक है। सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है, मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है, और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। बेटा कंप्यूटर में हम क्या काम कर रहे हैं वो हमें मॉनिटर पर दिखता है, ठीक है। ड्रॉइंग बना रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, तो हमें वो जो दिखेगा उसको मॉनिटर कहेंगे, जिससे वो चीज दिखाई देती है, ठीक है। कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है। कंप्यूटर में अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो अथवा ओपन करना हो तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। कोई फाइल सेलेक्ट करनी है या ओपन करनी है तो इसका उपयोग करते हैं। मैं देखो बार बार इसी का उपयोग कर रहा हूँ, वो कर्सर जो बार बार उस पर आता है ना, पॉइंटर, वो इसी से, ये माउस से मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग ऐसी सीख होगी इसको, ठीक है। ये देखो ये एरो आता ना, एरो, ये इसको क्लिक करते हैं यानी उंगली से दबाते तभी आगे चलता है, रुकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि इसके चार भाग होते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है। देखो कंप्यूटर को क्या है, आप इधर से उधर नहीं ले जा सकते, इसे कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इसको डेस्क पर रख के ही चलाया जा सकता है, इधर से उधर बार बार इसको ले जाके ले जाया नहीं जा सकता, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर। नंबर दो, नंबर वन क्या आया, लैपटॉप कंप्यूटर, नहीं नंबर टू है, तो नंबर वन पर डेस्कटॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं ना, तो नंबर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, और नंबर दो लैपटॉप। लैप का मतलब होता है गोल, और टॉप का मतलब होता है सुपर। लैपटॉप नाम क्यों रखा गया इसका, लैप माने गोद, गोद में रख के इसको ऐसे चलाते, गोद के ऊपर रख के इसको
चलाते हैं, इसी को लैपटॉप कह दिया। तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रखकर उपयोग कर सकें। लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर एक यूनिट में जुड़ा हुआ रहता है। लैपटॉप और कंप्यूटर में अंतर क्या होगा? लैपटॉप कंप्यूटर में लैपटॉप में क्या अंतर होगा? उसमें चारों भाग अलग अलग होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर में क्या हुआ, चारों भाग देखो, मॉनिटर अलग है, सीपीयू अलग है, माउस अलग है, कीबोर्ड अलग है, चारों भाग अलग अलग हैं। इसमें लैपटॉप में क्या है, चारों भाग एक ही यूनिट में इकट्ठे होते हैं और इसको कहीं भी आसानी से बैग में डाल के आप इधर उधर ले जा सकते हो। ठीक है, लैपटॉप बैटरी युक्त होता है, इसको आप चार्ज करके बिना बिजली के घंटों उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में क्या अंतर बताया, क्या सुविधा है लैपटॉप के आ जाने से, बताइए। नहीं सुना ध्यान से आपने, लैपटॉप को कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, इसको एक बार चार्ज करने के बाद ये कई घंटे तक इस पर काम किया जा सकता है। ठीक है, और डेस्कटॉप की तरह इसमें पार्ट्स अलग अलग नहीं होते, एक ही यूनिट में जुड़े होते हैं। ठीक है, बच्चों कंप्यूटर चार प्रकार के बताए थे आपको। ठीक है, नंबर वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, नंबर टू लैपटॉप, नंबर थ्री इज नोटबुक। नोटबुक क्या होता है वो सुनिए ध्यान से, नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा ही होता है पर ये लैपटॉप से भी छोटा होता है। इसका आकार हमारी लिखने वाली कॉपी की तरह होता है, इसका भी आप लैपटॉप की तरह ही उपयोग करते हैं। क्या सुना आपने, नंबर थ्री कंप्यूटर क्या है, नोटबुक। नोटबुक ठीक लैपटॉप जैसा ही होता है और आकार में वो आपकी जो नोटबुक होती है उसकी तरह होता है। जो काम हम लैपटॉप पर कर सकते हैं कंप्यूटर पर करते हैं वही काम हम नोटबुक पर भी कर सकते हैं। ये बात है, मैम आपसे पूछेगी क्लास में नीचे जाओगे तो ध्यान से सुनो। स्मार्टफोन या नंबर चार स्मार्टफोन, आजकल फोन बहुत ही एडवांस फोन आ गए हैं, आजकल सब फीचर होते हैं फोन में, इंटरनेट, फेसबुक, ये वो सब सारे काम हम स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं। पाम टॉप, स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है, इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझे तो पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर, इसका मतलब अपनी हथेली में रखकर उपयोग करने वाला कंप्यूटर। पाम टॉप का मतलब क्या हुआ, अपनी हथेली में रखकर चलाया जाने वाला कंप्यूटर। देखो अभी तक आप सब कंप्यूटर जो आकार में बहुत ही बड़ा है, मॉनिटर इतना बड़ा, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये भाग अलग अलग हो गए और काफी बड़े बड़े हैं, उससे छोटा फिर क्या आया, लैपटॉप। लैपटॉप में ये सारी चीजें एक ही यूनिट में इकट्ठी हैं, उससे भी छोटी चीज आई नोटबुक, जो इस लैपटॉप से भी छोटा है, जिसको और भी आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, एक छोटे से बैग में डाल दिया ऐसे ही लटका के आप लोग कॉपी की तरह ले जा सकते हो। ठीक है, अब नंबर फोर पर आया स्मार्टफोन या पाम टॉप। पाम मीन हथेली, टॉप माने के ऊपर, हथेली के ऊपर रख के जो चलाया जा सके, बिल्कुल स्मार्ट फोन हो गया आपका। इसी तरह फोन को कोई ऐसे थोड़ी ले जाते हैं, इसको भी हाथ में रख के आप चला सकते, इतना ही बड़ा होता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है बस, तो भी आराम से आप चला सकते हैं।
कि कंप्यूटर को किस प्रकार से काम करते हैं। बच्चों इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, तो अभी सारा आगे बता दूंगा तो आपको फिर भूल जाओगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाएंगे रोज, फिर अगले, और इसको ध्यान से सुना आपने, कल मैं पढ़ाने से पहले आपसे पूछूंगा क्या क्या आपको आज मैंने पढ़ाया था, वो आप घर जाके उसको याद करना, ठीक है। किसी को याद आए तो मेरे पास फोन कर लेना, मैं बता दूंगा, लेकिन क्लास में आपको सबको सही आंसर मुझे देना होगा, ओके। अब आपकी क्लास ओवर, ठीक है, अब दूसरी क्लास आए। सुनना है, ठीक है, उधर क्या बोल रहे, कौन सी क्लास में आप लोग बैठे हो? कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर क्लास में बैठे हो। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे, कंप्यूटर क्या होता है और कैसे यूज होता है। आज हम वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर चलाना सीखेंगे, कैसे ऑपन होता है, ठीक है। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, मैं कंप्यूटर शिक्षा नाम की एनजीओ से हूँ। कंप्यूटर शिक्षा आपको फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूँ कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यह कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप जब कंप्यूटर क्लास के लिए बैठें तो इन बातों का ध्यान रखें, कक्षा एक दूसरे से वार्तालाप ना करें, अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। कैसे बैठना है आपको, किसी से बात नहीं करना है, आपको कोई परेशानी है या आपको कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछो, ठीक है। जब आप सभी को सामने देखने के लिए बोला जाए तो आप सामने ही ध्यान दें। हर एक कोर्स के बाद आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। आइए अब कंप्यूटर सीखना शुरू करें। आप सुनो लुकिंग फ्रेंड, आपको जब मैं बोलूँ ना कि आप मेरे तरफ देखिए, तब आपको देखना, ना तो आपको सामने देखना है, ठीक है। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का कहां कहां पर उपयोग होता है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का कहां कहां पर उपयोग होता है, कंप्यूटर क्या होता है आपको पता है ना, क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं आंसर पूछूंगी आपसे, ठीक है। कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को आसान करती है, इससे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। अब आपको आगे जो चित्र दिखाए जाएंगे उनको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि ये लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। अगर आप सभी ध्यान से देखें, आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, कौन क्या क्या कार्य कर रहा है आप बताओगे मुझे पहले? हाँ बताओ। यस, वेरी गुड, उससे हम पता लगा सकते हैं क्या चाहिए हमें, वेरी गुड, और क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, और कौन है, और भी देखो क्या क्या कर रहे हैं बताओ, और लोग कोई खोज कर रहे हैं, खोज कर रहे, वेरी गुड। ये क्या कर रहे हैं आप भी बताओगे मुझे, डरना नहीं है, बताओ ये कौन है? हाँ मैं भी टीचर हूँ, ये कौन है, टीचर क्या कर रही है,
क्या कर रही टीचर? मैं ब्लैक बोर्ड पे क्या करवाती हूँ आपको? पढ़ाती हूँ। तो टीचर क्या कर रही है? पढ़ा रही है। वेरी गुड। बॉय क्या कर रहा है? एक लड़का लिख रहा है। आप तापसी कर रही है? पढ़ाई कर रही है। ठीक। अभिजीत क्या कर रही है? कुछ याद कर रहा है। याद कर रहा है? हाँ, आप सोचिए, कुछ टेंशन में है, कुछ याद कर रहा है। ओके, ठीक। लक्ष्मी आप बताइए, आपको कुछ समझ में आ रहा है पिक्चर में? बताइए क्या है? हाँ, टीचर क्या कर रही है? किसको पढ़ा रही है? वेरी गुड, बच्चे को पढ़ा रही है। ओके, सुजीत बुलाइए। ये क्या कर रहे हैं? किसके साथ क्या कर रहे हैं? किसको देख रहे हैं? ठीक है, देख नहीं रहे हैं, ये खेल रहे हैं आपस में, दोनों बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो दिखाऊंगी। एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट। सुनो, वीडियो सुनो, फिर मैं दोबारा से पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखें। इन चित्र में एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है जो कि उनसे नहीं हो रहा है। अब बताइए मुझे, इन सभी चित्रों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह सभी कार्य कंप्यूटर से कर सकते हैं? बताइए, कंप्यूटर से सभी कार्य कर सकते हैं इसमें से? कौन कौन से कर सकते हैं? पिक्चर देख के बताओ मुझे। हम लोग कुछ भी, हमें जो नहीं आ रहा वो भी कंप्यूटर से कर सकते हैं। वेरी गुड, ऑफिस में काम कर सकते हैं। वेरी गुड, वो भी कर सकते हैं। हाँ, और जो मुश्किल हो रहा टीचर ने दिया वो नहीं आ रहा तो वो टीचर से पूछ सकते हैं। नहीं, वो बोल नहीं दोस्तों। हाँ, बोलो। हाँ, वो होमवर्क कंप्यूटर से भी करा जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और अब सुजीत लाइव मुझे ये बताओ क्या कर रही है लड़की? ये दोनों रिसर्च कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये प्रॉब्लम में पड़ी, प्रॉब्लम में पड़ी है ये। हेलो, ये चित्र बना रही है। हाँ, ड्राइंग कर रही है ये। उड़ रहा हूँ। सोचो सोचो सोचो। वेरी गुड, बताइए क्या दिख रहा है आपके सामने? ये क्या है? ये दिख रहा है आपको? ट्रायंगल सा बना रखा है, स्क्वायर सा, देखो। अच्छा, ये तो कौन है? ये क्या कर रहा बॉय? ऑफिस में काम कर रहा है। नहीं, ये प्रोजेक्ट बना रहा है ऑफिस में काम, ये कर रहे हैं। ओके, ठीक है, बैठो। चित्रों को देखने के बाद आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर और किस लिए किया जाता है। अगर किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब कुछ और चित्रों को देखें। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, गाने सुनना, वैसा भी डॉक्यूमेंट बनाना। आगे और चीज़ों को देखें और समझें, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर और किस लिए करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। आपको ये चित्र दिख रहा है? मुझे पता है, लाइब्रेरी में शोर नहीं करना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। वेरी गुड, और लाइब्रेरी में चिल्लाना नहीं चाहिए और हल्ला भी नहीं करना चाहिए। अब कंप्यूटर लाइब्रेरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, देखो वीडियो सुनो।
लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग बुक्स की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापस आई है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर यूज क्यों होता है? कंप्यूटर बताओ। लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं या नहीं बताओ? कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्यों जो पढ़ना ठीक से नहीं है हाँ। तब उसे लाइब्रेरी के कंप्यूटर से चला के समझ सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर ठीक है, सुजीत लाइब्रेरी से। अच्छा, सुधा खेल नहीं रहे। हम ये भी देख सकते हैं कि हम लाइब्रेरी में पता चल जाता है, ठीक है, लाइब्रेरी में कितनी बुक है और कौन कितने ले जा रहा है और कौन कितने पढ़ रहे हैं, ठीक है। भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापस आई है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप बैंक में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। बैंक में आप पैसों की लेन देन की जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर्स का दिए गए चित्र को देखें और बताएं। ये चित्र समझ में आ रहा है आपको? मुझे पता है। बताओ कहाँ का दिख रहा है चित्र? हम लोग बैंक में कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, चित्र कहाँ का दिख रहा है? बैंक का दिख रहा है, ऑफिस का दिख रहा है, कहाँ का दिख रहा है? देखो ये दिख रहा है ना, कैन बी यूज कंप्यूटर्स इन बैंक, समझ में आया? ठीक है, आप वीडियो देखो फिर मैं आपसे आंसर क्वेश्चन करूँगी, ठीक है। क्या आप बैंक में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। बैंक में आप पैसों की लेन देन की जानकारी रखने से कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज सकते हैं। दिए गए चित्र को कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर से हम लोग अपना बैंक में भी देख सकते हैं, दूसरी जगह ले भी दे सकते हैं, ठीक है। सुजीत लाई आप बताइए। कंप्यूटर से हम किसी पे नजर भी रख सकते हैं। ओके, और कंप्यूटर से हम देख सकते हैं कि कौन पैसा चोरी कर रहा है। कंप्यूटर से हम एक दूसरी जगह हम पैसे भेज सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में हमें डालना है तो, और कंप्यूटर द्वारा हम हिसाब भी रख सकते हैं, ठीक है। देखकर बताएं क्या आप रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? देख के बताओ कि हम रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, हाँ ना का जवाब बताइए मुझे, जल्दी बताओ। नहीं। हाँ यस। हाँ राखी बताइए। बताओ रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ पायल कर सकते हैं, वेरी गुड। आप वीडियो देखो और बताइए क्या क्या किया जाता है और कैसे करते हैं, ठीक है या नहीं। रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की रिजर्वेशन की जाती है। कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब और चित्रों को देखें जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में, हॉस्पिटल में। आप बताइए रेलवे स्टेशन में हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर से? टिकट ले सकते हैं, वेरी गुड। और बुक भी कर सकते हैं। हाँ, तापसी बताइए।
रेलवे स्टेशन पर हम लोग कंप्यूटर का क्या कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं या नहीं बताइए? करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर को यूज करने के लिए मैं बताती हूँ। नंबर वन, हम अपनी टिकट भी करवा सकते हैं, ठीक है, हमें जहाँ जाना है रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर द्वारा हमारी टिकट हो जाती है। दूसरा, हमें ये भी जानकारी मिलती है, पता करते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, ठीक है, ट्रेनों की जानकारी लेते हैं, ठीक है, जाती है। कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब और चित्रों को देखें जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, मेट्रो स्टेशन पर, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं रेडियो कंप्यूटर का इस्तेमाल कहां कहां होता है, बताइए। रेलवे स्टेशन, स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है, फाइल बताइए, स्टेशन, स्कूल, बताओ जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको पहले वीडियो दिखाया था ना, क्या क्या दिखाया था, रेलवे स्टेशन, बैंक, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, स्कूल, आपके स्कूल में यूज हो रहा है ना, yes. हो रहा है ना जी। और अब वीडियो को, इसको ना पिक्चर को ध्यान से देखिए, रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है, वीडियो ध्यान से सुनना आपको, फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगी वीडियो का उपयोग क्यों करते हैं। वीडियो का उपयोग क्यों करते हैं? पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं, टीवी का हम लोग कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं, रेडियो का गाना सुनने के लिए, और गाना समझ में नहीं आता तो गाना को समझने के लिए। पहले हम रेडियो का इस्तेमाल करते थे, अभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम समाचार भी पढ़ सकते हैं। हम लोग कंप्यूटर का कुछ बोलते हैं गाना, हाँ गाना समझ में नहीं आता तो वो भी कर सकते हैं। और हम पहले रेडियो का इस्तेमाल करते थे किस चीज के लिए, रेडियो एंड समाचार के लिए, ठीक है, अब वही काम हम कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, गाना, सॉन्ग, न्यूज़पेपर, हम पहले न्यूज़पेपर में भी पढ़ते थे, अब हम कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर में हमें फटाफट वर्क काम करता है, ठीक है। हम रेडियो क्यों सुनते थे बताओ लक्ष्मी, राखी, रेडियो से हम क्या क्या सुनते थे, गाना और बात भी सुनते थे। ओके, ठीक है, अभी बताओ हम जैसे हम गाना और न्यूज ये कंप्यूटर पे कर सकते हैं, हम पक्का गाना सुन सकते हैं कंप्यूटर पे, न्यूज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं, टीवी इधर सुनो,
टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? उपयोग क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? कार्टून सीरियल्स ये भी और फेवरेट प्रोग्राम यस ये कौन है ये अभिजीत बताइए टीवी का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग कार्टून देखते हैं और मूवी नहीं देखते आप लोग टीवी में yes. फिर अब देखो हाँ मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ वीडियो प्ले करने के बाद आप ध्यान से देखोगे क्या बता रहा है फिर मुझे बताओगे ठीक है टीवी का उपयोग क्यों करते हैं पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे लेकिन आजकल कंप्यूटर पर आप फिल्म और कार्टून भी देख सकते हैं ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग करते हैं बताओ टीवी से बहुत कुछ करते हैं सीरियल्स देख सकते हैं कार्टून प्रोग्राम हाँ जी मूवी हाँ जी अब ये बताओ कि अब हम वो चीज जो आप बता रहे मूवी कार्टून सीरियल्स प्रोग्राम तो आप क्या कंप्यूटर पे देख सकते हो यस देख सकते हो ना फिर आपके वीडियो देख के फिर बताना ठीक है ध्यान से देखना पहले आप सभी ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग शीट का उपयोग करते थे लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था पर अब एक कंप्यूटर के आ जाने से ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर मूवी देखना हो तो कंप्यूटर ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर गेम्स खेलना हो तो कंप्यूटर इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं अब आप सभी सामने दिए गए चित्रों को देखकर बताएं अब बताओ हम लोग पहले क्या किस चीज का इस्तेमाल करते थे ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करते थे यस हाँ अब हम कंप्यूटर से ड्राइंग कर सकते हैं ड्राइंग भी कर सकते हैं हाँ जी ड्राइंग कर सकते हैं अब देखो यहाँ पर देखो हाँ क्या हम इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं ठीक है वीडियो देखोगे फिर मुझे बताओगे ठीक है कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं क्या आप सब कंप्यूटर से दोबारा खुला सकते हैं या नहीं नहीं क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं क्या आप कंप्यूटर से हिसाब जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं या नहीं जी हाँ आप कंप्यूटर से अर्थमैटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है क्या आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते आप बताइए कंप्यूटर से हम ये सब कार्य कर सकते हैं देख के बता मुझे हम कंप्यूटर से गुब्बारा नहीं फुला सकते गुब्बारा नहीं फुला सकते हम हिसाब कर सकते हैं कंप्यूटर से ओके हम ड्राइंग कर सकते हैं क्या हम रोटियां बेच सकते हैं कंप्यूटर में नो कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं क्या आप सब कंप्यूटर से दोबारा खुला सकते हैं या नहीं नहीं क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं क्या आप कंप्यूटर से हिसाब
जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं या नहीं? यस जी हाँ, आप कंप्यूटर से अर्थमैटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटा बस हो गया 40 मिनट बस मैम 5 मिनट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। क्या आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं? आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं क्यों? कर सकते हैं कंप्यूटर पर ड्राइंग? यस। कि इसमें ड्राइंग शीट यानी कि पेंट की फाइल होती है जिसके बारे में आप आगे सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं? नहीं। आप कंप्यूटर से रोटियां नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर से आप ड्राइंग और हिसाब तो कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं कंप्यूटर से आप गुब्बारा और रोटियां नहीं बना नहीं सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं जानते? आप वीडियो देखिए फिर बताना, ठीक है? कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। डेस्कटॉप कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर रखकर डेस्कटॉप कंप्यूटर थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है? इसको हम टेबल पे रख के यूज करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है? 1 पार्ट मॉनिटर, ठीक है? सेकेंड सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ठीक है? वीडियो प्ले करके फिर बताना तुम्हें। और ये भी ध्यान से सुनना है, मॉनिटर किस क्या काम करता है, सीपीयू क्या काम करता है, कीबोर्ड से क्या काम होता है, माउस से क्या काम होता है, ठीक है? मैं ही पूछूंगी आप लोगों से। उपयोग में लाया जाता है इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। कितने भाग होते हैं? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। इसको दूसरा नाम एलसीडी भी कहते हैं, ठीक है? सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है, मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है। कंप्यूटर में अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो अथवा ओपन करना हो तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और क्योंकि इसके 4 भाग होते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है। लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप में लैप का मतलब होता है घूमने, ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के? डेस्कटॉप कंप्यूटर के 4। नाम बताओ। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। मॉनिटर क्या कहते हैं? सीपीयू किस चीज का काम करता है? दिमाग का, ठीक है? मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? टीवी की तरह। और कीबोर्ड हम टाइपिंग का उपयोग करते हैं। और माउस में हम किसी फाइल को या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए उपयोग। और क्योंकि इसके 4 भाग होते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में होता है ऊपर, तो इसका मतलब 1 भाग होते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने। लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोल और टॉप का मतलब होता है ऊपर। लैपटॉप का कंप्यूटर क्या होता है? लैपटॉप। लैपटॉप आपके पास है? देखो लैपटॉप है आपके पास? यस। कैसा होता है? इसको कहाँ यूज करते हैं? लेके इसका नाम देखो, लैपटॉप, ठीक है? वीडियो सुनो। तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रखकर उपयोग कर सके।
कहाँ पर उपयोग करते हैं? गोद में लेके भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? उपयोग लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर एक यूनिट में जुड़ा हुआ रहता है। लैपटॉप बैटरी युक्त होता है। इसको आप चार्ज करके बिना बिजली के घंटों उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। इसे हम अपने बैग में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नोटबुक लैपटॉप के बारे में बताइए, डेस्कटॉप से छोटा होता है, बड़ा होता है? छोटा होता है। और जो सारी कीज होगी और उसे सारे बर्तन हो गए, वेरी गुड। बताइए, हम बैग में ले जा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी, उससे मुश्किल भी नहीं होगा उतना उठाने के लिए। वेरी गुड। और उसमें फंक्शन जैसे कीबोर्ड में कीबोर्ड है, सारा कीज है, लैपटॉप में है या नहीं है? लैपटॉप में। हाँ मुझे बताओ, उसमें बताओ जाके कहाँ पर है सारी बटन्स वगैरह उसके है। बताओ, दिखाओ जाके, आगे जाओ। चलो बटन, हाँ देखो कहाँ है, ये सारे हैं, ठीक है? लैपटॉप में सारे होते हैं। आजो जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। इसे हम अपने बैग में रखकर कहीं भी, कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा ही होता है पर ये लैपटॉप से भी छोटा होता है। ये क्या है देखो, पढ़ो। नोटबुक, ये लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है? वीडियो देखो। इसका आकार हमारी लिखने वाली कॉपी की तरह होता है। इसका भी आप लैपटॉप की तरह ही उपयोग करते हैं, स्मार्टफोन या पाम टॉप। स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है। इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझे तो पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर। इसका मतलब अपनी हथेली में रखकर उपयोग कर। लैपटॉप बड़ा होता है, नोटबुक उससे थोड़ा सा छोटा होता है। और लैपटॉप में जो काम करते हो नोटबुक में कर सकते हैं हम? यस, ठीक है। कुसुम स्टॉप फॉर 10 पे। देखो लैपटॉप नहीं, डेस्कटॉप। हां डेस्कटॉप कम लैपटॉप। हां ठीक है, देखना ओपन कैसे करते, ठीक? आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप अथवा नोटबुक कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर होगा। आइए लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है? लैपटॉप अथवा नोटबुक के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबा के रखें, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर स्टॉप करो ना प्लीज। तो कंप्यूटर शिक्षा आपको फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूं कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई नहीं की जाएगी। यह कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप जब कंप्यूटर क्लास के लिए बैठे तो इन बातों का ध्यान रखें। कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप ना करें। अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। जब आप सभी को सामने देखने के लिए बोला जाए तो आप सामने ही ध्यान दें। हर एक कोर्स के बाद आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। आइए अब कंप्यूटर सीखना शुरू करें। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का कहां कहां पर उपयोग होता है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं।
आइए अब कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? आपको पिक्चर दिख रही है? क्या आप बता सकते हो कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है, और कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं? ठीक है, वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद फिर आप मुझे बताना। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को आसान करती है। इससे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। अब आपको आगे जो चित्र दिखाए जाएंगे उनको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि ये लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है? चित्र में दिख रहा है कुछ? हाँ, आपको ये बताना है वीडियो देख के कि कौन क्या क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, ये पिक्चर दिख रही है सब, इनको वीडियो सुनने के बाद आप मुझे बताओगे कौन क्या कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप सभी ध्यान से देखें इन चित्र में एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है जो कि उनसे नहीं हो रहा है। इन सभी चित्रों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह सभी कार्य कंप्यूटर से कर सकते हैं या नहीं? इन चित्रों को देखने के बाद आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए किया जाता है। अगर किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब कुछ और चित्रों को देखें। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर से आप बताइए, आप मुझे पिक्चर में कौन क्या क्या कार्य कर रहे हैं? अभी वीडियो सुना है ना आप लोगों ने? Yes. अब मुझे बताओ। मैम खड़ा होकर बताओ, कौन बता रहे? सम्राट का फेस इधर बेटा। मैम ये ऑफिस में काम कर रहा है। नहीं, रॉन्ग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बिस्की बताओ। ये अपना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना रहा। वेरी गुड। और टीचर पढ़ा रही है। वेरी गुड। और ये दोनों लड़की सर्च कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं। वेरी गुड। और वो लड़की ड्राइंग बना रही है। वेरी गुड। कहाँ पर काम कर रहा है? ऑफिस में। वेरी गुड। बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पता चल रहा है ना आप लोग को, हम कंप्यूटर से बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखना। ठीक है, वीडियो देख के बाद मुझे आंसर बताना। पेंटिंग करना, गाने सुनना, कैसा भी डॉक्यूमेंट बनाना। आगे और चित्रों को देखें और समझें कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। चित्र दिख रहा आपको? इसमें है क्वेश्चन कि आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। वीडियो प्ले करूंगी, प्ले करने के बाद मुझे बताओगे कर सकते हैं या नहीं और किस यूज में कर सकते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं? लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग बुक्स की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापस आई है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप
बैंक में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? बैंक आप बताइए, लाइब्रेरी में कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं, उपयोग क्यों करते हैं? बताओ, लाइब्रेरी में कंप्यूटर क्यों उपयोग करते हैं? पता चल गया ना आपको, लाइब्रेरी में क्यों यूज करते कंप्यूटर और कर सकते हैं? ठीक है, पे आप पैसों की लेन देन की जान, अब इस पे ध्यान दो, ये क्या दिख रही है, कौन सी पिक्चर दिख रही है आपको? बैंक की है, ये वीडियो सुनो। कार्य रखने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज सकते हैं। दिए गए चित्र को देखकर बताएं, क्या आप रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? बताइए आप, बैंक में क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर, बताओ। बैंक में कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बैंक कंप्यूटर से बैंक में पैसा भरा जाता है। हाँ, पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। और कौन बताएगा हिस्ट्री बताओगे, बताओ। बैंक में क्या क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, कितने पैसे आए हैं, किसने कितने पैसे जमा किए हैं, और पता चल गया ना आपको, बैंक से हम पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि कंप्यूटर में कितने पैसे जमे करे गए हैं, आई मीन अकाउंट में आपके नाम से। ठीक है, लेन देन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह हम कंप्यूटर द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। ठीक है, किसी के अकाउंट में या नहीं? रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की रिजर्वेशन की जाती है। कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब और चित्रों को देखें जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, मेट्रो स्टेशन पर, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं रेडियो का उपयोग, बताओ रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं? रेलवे स्टेशन हो गया, और ठीक है रेलवे स्टेशन के बारे में बताइए। ट्रेन कब आएगी? वेरी गुड, जानकारी लेते हैं, और कौन बताएगा, रोहित बताओ। कंप्यूटर से टिकट निकालते हैं। वेरी गुड, टिकट करवाते हैं। हाँ बताइए। मैम, और ना कंप्यूटर से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा ट्रेन खाली है और कौन सा ट्रेन भरा है। हाँ, हम ये भी जान सकते हैं कौन सी ट्रेन कितने बजे आ रही है और कितने बजे स्टार्ट होगी जाएगी। ठीक है, क्यों करते हैं? पहले हम गाना और समाचार सुनने के, देखो कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, वीडियो सुनो, रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं। हम लोग रेडियो से क्या करते हैं, क्या सुनते थे? एक करके बताएगा मुझे अब सम्राट। हम रेडियो से पहले गाना सुनते थे, अभी कंप्यूटर से गाना सुनते हैं। हाँ जी, रेडियो से और क्या कर सकते हैं हम लोग? और रेडियो से और समाचार भी
सुन सकते हैं कंप्यूटर में समाचार सुन भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं ठीक है। अभी देखो टीवी का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, आप लोग बताओगे? यस मैम। बताइए। हम टीवी का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें गाना सुनते हैं, वेरी गुड, देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वेरी गुड, और कुछ और टीवी से ना इंग्लिश भी सीख सकते हैं, वेरी गुड। टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे लेकिन आजकल कंप्यूटर पर आप फिल्म और कार्टून्स भी देख सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग करते हैं? टीवी से पहले हम क्या करते थे, क्या देखते थे, सुनते थे? हो गया, अब हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं जो टीवी पे हम करते हैं, देखते थे और कंप्यूटर पे देख सकते हैं, कर सकते हैं। अभी पिक्चर देखो, ड्राइंग शीट का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, आंसर बताओगे? हाँ, ड्राइंग करने के लिए। वीडियो देखो, पहले आप सभी ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग शीट का उपयोग करते थे लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं। पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था पर अब एक कंप्यूटर के आ जाने से ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर, मूवी देखना हो तो कंप्यूटर, ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर, कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर, गेम्स खेलना हो तो कंप्यूटर। इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं। अब आप सभी सामने दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। बताओ, मैं बहुत ज्यादा, अब बताओ। मैं कंप्यूटर से हम ड्राइंग कर सकते हैं, ये कार्य हम कर सकते हैं कंप्यूटर से? बैलून फुला सकते हैं? नहीं। हिसाब कर सकते हैं? यस मैम। ड्राइंग कर सकते हैं? यस मैम। रोटी बेल सकते हैं? नो मैम। नहीं। क्या आप सब कंप्यूटर से गुब्बारा फुला सकते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर से हिसाब जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, आप कंप्यूटर से अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। क्या हम कंप्यूटर पर आप लोग को समझ में आ गया ना हम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं? yes, ठीक है। क्या हम कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं? बताइए, कर सकते हैं कंप्यूटर पर ड्राइंग? yes, आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ड्राइंग शीट यानी कि पेंट की फाइल होती है जिसके बारे में आप आगे सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं या नहीं? बताइए। नहीं, नहीं। पहले वाला क्वेश्चन क्या था? ड्राइंग शीट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ? आपको मॉनिटर पर तो दिख नहीं रहा ड्राइंग शीट है यानी उसमें पेन की फाइल होती है, ठीक है, सुन रहे हो? पेन की फाइल होती है इसलिए हम लोग कंप्यूटर ड्राइंग कर सकते हैं। रोटियां बना सकते हैं? आप कंप्यूटर से रोटियां नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर से आप ड्राइंग और हिसाब तो कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर से आप गुब्बारा और रोटियां नहीं बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वीडियो प्ले कर रही हूँ, उसके बाद सुनना, ठीक है, बताना। कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं।
डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर रखकर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके चार भाग होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है, मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है। कंप्यूटर में अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो अथवा ओपन करना हो तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। ये बताइए कौन सा कंप्यूटर है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? कैसे? देखो नाम देखो। फोर। फर्स्ट पार्ट कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। अब आपने अपने आप बताओ, पार्ट बताओ, पार्ट के नाम बताओ मुझे। ये कौन सा पार्ट है? ये वाला कीबोर्ड। ये माउस। ये सीपीयू। सीपीयू किसका काम करता है? दिमाग का काम करता है, ठीक है, दिमाग जैसे काम करता है, ठीक है। और मॉनिटर, हम कुछ कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो वो दिखाई देता है, ठीक है, कोई भी काम। और कीबोर्ड, टाइपिंग करने के लिए। और माउस, माउस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, समझ में आया? डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है और क्योंकि इसके चार भाग होते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है। लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोद और टॉप का मतलब होता है ऊपर, तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रख कर उपयोग कर सकें। लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर एक यूनिट में जुड़ा हुआ रहता है। लैपटॉप बैटरी युक्त होता है, इसको आप चार्ज करके बिना बिजली के घंटों उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। इसे हम अपने बैग में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा ही होता है पर यह लैपटॉप से भी छोटा होता है। इसका आकार हमारी लिखने वाली कॉपी की तरह होता है, इसका भी आप लैपटॉप की तरह ही उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन या पाम टॉप, स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है, इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझें तो कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करते हैं, दिए गए चित्र को देखें और बताएं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और उसे क्या कहते हैं। इस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ये आपके पास है या नहीं है? कहाँ पर है दिखाओ। हाँ, इसको क्या कहते हैं? लैपटॉप। इसको नोटबुक। अच्छा, ये किसकी तरह दिखता है? ये दोनों लैपटॉप की तरह। और इसके सारे चीज है इसमें, यूनिट में है? क्या क्या होता है नाम बताओ मुझे, जैसे कंप्यूटर में होते हैं तो इसमें भी होते हैं या नहीं, नाम बताओ। और पार्ट कीबोर्ड, यस, माउस और सीपीयू, ठीक है, सारे एक ही यूनिट में होता है, ठीक है। और ये थोड़ा डेस्कटॉप से छोटा होता है, ठीक है। और इसको
हम चार्ज करके अपने बैग से बैग में लेके इधर उधर जा सकते हैं। डेस्कटॉप को तो लेके नहीं जा सकते क्योंकि बड़ा होता है, इसको डेस्क पे रख के हम काम कर सकते हैं। लैपटॉप का मतलब होता है, लैप का मतलब होता है गोद और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो हम उसको समझ रहे हो ना। और नोटबुक किसकी तरह दिखता है? कॉपी की तरह। बट कॉपी की तरह दिखता है? इसकी तरह दिखता है लैपटॉप की तरह है? नहीं, लैपटॉप की तरह दिखता है बट इससे ये थोड़ा सा छोटा है, शीट की तरह काम करता है। काम वैसे लैपटॉप की तरह ही करता है, सारे काम इसमें भी करते हैं, ठीक है। इसमें शीट थोड़ी छोटी होती है। आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप अथवा नोटबुक कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर होगा। आइए अब सीखते हैं लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या। अब हम क्या सीखेंगे? लैपटॉप नोटबुक का उपयोग, उसका तरीका हम ये सीखेंगे कि उसको ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो देखिए क्या होता है। लैपटॉप अथवा नोटबुक के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबा के रखें, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर ऊपर उठाएं और उसे दिखाए गए चित्र की तरह रखें। अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक बार अपने हाथों से दबाएं, जिससे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग करते हैं तो दिए गए चित्र को देखें और आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप में इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें। इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन हो जाएगा। अब आप सभी का कंप्यूटर ऑन हो गया, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक हो। दिए गए चित्र को देखें और बताएं। अब मुझे बताओ पावर बटन कहाँ है आपके डेस्कटॉप में और लैपटॉप में? देख के बताओ। पावर बटन बताओ। लैपटॉप खोलो अपना, ओपन करो आराम से, आराम से खोलो। हो गया ना? आप बताइए मुझे पावर बटन कहाँ आपका? मैं पावर बटन का डेस्कटॉप में कहाँ है? ये पावर बटन है। आप बताइए पावर बटन कहाँ है? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। आपको बताइए डेस्कटॉप में बताइए कहाँ? हाँ वेरी गुड। आप बताइए कौन सा पावर बटन? पावर बटन बताओ। वीडियो में देखा था ना आपने? बताओ कहाँ है पावर बटन? ये, ठीक है ठीक है। इसको एक बार प्रेस करना पड़ता है फिर ऑन हो जाता है। आप बताइए पावर बटन, पावर बटन बताओ। सीपीयू में होता है, बताइए कहाँ? स्माइल बना होगा देखो, ये पावर बटन। आया समझ में? पावर बटन नहीं ऑन नहीं करना, पावर बटन दो बताओ सीपीयू में। हाँ बोलो, वेरी समझ में आ गया ना आपको पावर बटन के बारे में? ठीक है। ये लैपटॉप नीचे का ना रोहित माफी गोपाल नीचे करो। हाँ पॉज कर, जिस स्क्रीन को क्या कहते हैं? इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। एक बात पूछ रही हूँ, ध्यान दो। इस स्क्रीन को क्या कहते हैं? ये जो है पढ़ो, ये क्या लिखा है? डेस्कटॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आप सब
वीडियो में आप सुनो कि यह डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर की विंडो होती है जो हमें उन एप्लीकेशन और फोल्डर फाइल्स के बारे में बताती है जो फाइल्स को हम अपने इच्छा से डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और उन्हें हम सीधे खोल सकते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं यह आप आगे की कक्षाओं में सीखेंगे। आइए अब कंप्यूटर को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आप कौन से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। पोस्ट करना पड़ेगा, दिया नहीं है, करना पड़ेगा। डेस्कटॉप स्क्रीन देखी थी सामने, देखी थी, उसमें क्या दिख रहा था? विंडोज दिख रही थी आपकी, कौन सी दिख रही थी? ये जो आगे कंप्यूटर में दिख रही है ना, ये हमारे विंडो है, सारी विंडोज है, ठीक है। और फाइल और फोल्डर के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो कंप्यूटर की तस्वीर देखो, ठीक है, मतलब कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं अथवा लैपटॉप या नोटबुक। अगर आप डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। माउस के अंदर तीन बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन, जैसा कि सामने चित्र में दिखाया जा रहा है। लेफ्ट बटन का उपयोग आप सबसे ज्यादा करते हैं, इससे आप फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट बटन से आप कंप्यूटर को रिफ्रेश, न्यू फोल्डर, रीनेम फाइल और डिलीट फाइल इत्यादि कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन से आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो आप सब टचपैड का उपयोग करेंगे। सामने दिए गए चित्र को देखें और फिर अपने नोटबुक में ऐसे दिए गए चित्र को देखें, इसे टचपैड कहते हैं। यह टचपैड नोटबुक या लैपटॉप के लिए हमारे दोनों हाथ की तरह काम करता है, जैसे कि हमारे पास दो हाथ होते हैं, बायां और दाहिना। वैसे ही टचपैड में भी दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन। आप सब अपने टचपैड के लेफ्ट बटन का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे, चाहे आपको फाइल ओपन करनी हो या किसी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करना हो तो आप लेफ्ट बटन का उपयोग करेंगे। राइट बटन का उपयोग कंप्यूटर को रिफ्रेश और फोल्डर बनाने के लिए करते हैं। लेफ्ट बटन को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई फाइल बनाना हो या फाइल को ओपन करना हो, इसलिए हमें लेफ्ट बटन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राइट बटन का हमें रिफ्रेश के लिए किया जाता है यूज़, और या किसी आपको फाइल को या कुछ लिखा है उसको डिलीट करने के लिए लेफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है उसको अप डाउन हम नीचे कर सकें। और स्क्रॉल बटन बताओ मुझे, हाँ वेरी गुड, और कौन सा बताओ, दिखाओ मुझे,
हाँ स्क्रॉल बटन भी। बताओ स्क्रॉल है ना, बताओ। अभी मैं टच पैड का नहीं पूछ रही हूँ, डेस्कटॉप है ना आकाश के पास, बताओ। हाँ बताओ उसमें। हाँ वेरी गुड। टच पैड का इस्तेमाल कैसे करते हैं? लैपटॉप में देखो, लैपटॉप में देखो, नीचे हाँ पुश करके रखो, ऊपर करो पुश। हाँ आप बताइए टच पैड कहाँ है? वहाँ देखो, ध्यान से देखो, स्क्रीन पे देखो और कंप्यूटर पे दिखाओ मुझे। टच पैड आ गया समझ में? हाँ लैपटॉप टेन कहाँ है उसका, टच पैड का? मफिजुल हाँ राइट, समझ में आया आपको टच पैड का? शुभंकर टच पैड का है लैपटॉप का? ओके लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन। अनुराग बैठो उसको बताओ ना, पावर बटन बता रहा है वो। अनुराग शुभंकर लेफ्ट बटन उस साइड है। हाँ जी नो 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 नो, लेफ्ट बटन आपका ये है ठीक है, राइट बटन ये है। ओके सबको समझ में आया टच पैड और माउस के बारे में? अब आप सब सामने डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखें, आपको छोटा सा तीर दिख रहा होगा, इस तीर को कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। आप सब इस कर्सर या पॉइंटर की मदद से किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं। कर्सर या पॉइंटर को हम अपने माउस अथवा टचपैड के उपयोग से चलाते हैं। अगर आप माउस का उपयोग कर रहे हैं तो आप सभी अपने राइट हैंड से माउस को पकड़ें और उसे गोल गोल घुमाएं, तो आपका पॉइंटर वैसे ही घूमेगा जैसे आप अपने माउस को घुमा रहे हैं। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने टचपैड में खाली जगह पर अपने राइट हैंड की एक फिंगर को सामने दिखाए गए चित्र की तरह रखें और फिर गोल गोल घुमाएंगे, तो आपका पॉइंटर वैसे ही घूमेगा जैसे आप अपने टच पैड पर अपनी फिंगर को घुमा रहे होंगे। बताओ टच पैड के बारे में बताओ, कर्सर और पॉइंटर को। जो समझ में तो नहीं आया होगा आप लोग को मैं बता रही हूँ, जो टच पैड है ना, टच पैड के बीच में जब आप फिंगर रखोगे ना, राउंड राउंड घुमाओगे ना, तब आपको पॉइंटर दिखाई देगा स्क्रीन पे ठीक है, लैपटॉप में। समझ में आ रहा है? आप टच पैड पे ऐसे घुमाओ करो ऐसे, नहीं माउस को छोड़ के, टच पैड लैपटॉप में होता है। बीच में रखो अपनी फिंगर को। हाँ तो आप जब ऐसे करोगे तो आपका कर्सर या पॉइंटर, मेरी बात सुनो, पॉइंटर या कर्सर आपका राउंड राउंड घूमेगा जब टच पैड के बीच में आप रखोगे, फिर राउंड राउंड घुमाओगे तो आपका कर्सर स्क्रीन पे दिखेगा या पॉइंटर। क्योंकि आप देखो कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं ठीक है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, इसलिए आप सभी कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं ये पता चल रहा है आपको, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं दिए गए वीडियो को देखिए, वीडियो के माध्यम से। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। ये पॉइंटर का ध्यान रखना ठीक है, ये पॉइंटर का, अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर देखो इसका पॉइंटर कहां गया, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद आपके में हां इस स्टार्ट बटन पर अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शट डाउन, आपका कर्सर दिख रहा है लैपटॉप में, लैपटॉप ऑन नहीं है ना, वीडियो समझ लो अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं समझा रही हूँ देखो सॉरी। ये कर्सर दिख रहा है आगे, ये कर्सर है ना, हाँ दिख नहीं रहा है।
देन हिलाना तो पड़ते हैं इसको, बैठ के ही समझा रहा हूं मैं। हां जी बैठ के। देखो अच्छा ध्यान दो, मेरा कर्सर को ध्यान दो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या है पॉइंटर, ठीक है इसको हमें बोलते हैं पॉइंटर। अपने पॉइंटर को हमें लैपटॉप में भी होगा और कंप्यूटर में भी होगा। हाँ दृष्टि देखो घुमाओ, माउस को घुमाओ, देखो कंप्यूटर में घूम रहे है ना। देखो ये कर्सर कहाँ घुमा, पॉइंटर कहाँ आ रहा है, देखो ये स्टार्ट बटन पे आ गया, आ गया ये राउंड राउंड स्टार्ट बटन दिख रहा है आपको, हाँ ये स्टार्ट बटन है। आपको लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करना है तो आपको एक बॉक्स नजर आएगा, ठीक है उसमें शट डाउन लिखा हुआ दिखेगा आपको, उस पर फिर देखो आप देखो वीडियो देखो, बॉक्स दिखेगा, ठीक है बॉक्स आ गया सामने, देखो लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है। देखो उधर देखो उधर देखो उधर देखो उधर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस शट डाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दे। समझ में आया, शट डाउन लिखा आ रहा है, देखो दृष्टि देखो साइड में, हाँ नीचे देखो, हाँ इसको हमें कैसे करना पड़ेगा, माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करना पड़ेगा, लेके आओ हाँ दबाइए लेफ्ट बटन, वेरी गुड, ठीक है समझ में आया। जिससे कि आपका कंप्यूटर आपने सीखा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर का उपयोग किन किन जगहों पर किया जाता है, कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, माउस का उपयोग क्यों करते हैं, टचपैड का उपयोग क्यों करते हैं, और सबसे बाद में कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं यह भी सीखा। समझ में आया आप लोग को? छोटे तो पर अच्छा। कुछ भी जो है तुम आपने देखा है वो मुझे बताओ क्या क्या सीखा। वेरी गुड, कैसे करते हैं, आप बताओ कंप्यूटर में अभी आपने इसमें देखा है ना क्या क्या सीखा है बताओ। हमने सीखा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किन किन जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, इनका उपयोग क्यों लाया जाता है, टचपैड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, माउस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और काफ़ी चीज़ें शट डाउन कैसे करते हैं, ठीक है ठीक है। आपकी भी क्लास खत्म हो गई, जाओ शॉर्ट को मत करो, बता दो मैम इनकी शट डाउन, और उसका नाम है कंप्यूटर। आज के टाइम में हम जहाँ भी जाते हैं वहीं हमें कंप्यूटर से हमारी मुलाकात होती है, चाहे शॉप पे जाएं, चाहे रेलवे स्टेशन पे जाएं, ठीक है चाहे मेट्रो स्टेशन जाएं, और चाहे हम हॉस्पिटल वगैरह में जाएं तो हमारी कंप्यूटर से मुलाकात ज़रूर होती है। तो आज से आपको कंप्यूटर क्लास में बुलाया गया है, तो कंप्यूटर के बारे में आपको हम बहुत ही विस्तार से बताएँ, ठीक है सब बच्चे भी कुछ ध्यान से सुने। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, मैं कंप्यूटर शिक्षा नाम की एनजीओ से हूँ। कंप्यूटर शिक्षा आपको फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूँ कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि यहाँ से कुछ आपको देना पड़ेगा कंप्यूटर क्लास के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। यह कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप जब कंप्यूटर क्लास के लिए बैठे तो इन बातों का ध्यान रखें, कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप ना करें, बोलना
बिल्कुल मना है, कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है तो धीरे से अपने टीचर को बताएंगे, ठीक है, अन्यथा आप बैठे हुए आराम से बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। जब आप सभी को सामने देखने के लिए बोला जाए तो आप सामने ही ध्यान दें। आपने पूरा ध्यान स्क्रीन पर देखना है, सामने दीवार पर देखना है, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। मेरी सिर्फ आवाज आएगी, आपको अपना जो ध्यान कंसंट्रेट करना है वो जो सामने पिक्चर आती है उस पर आपको ध्यान देना है। हर एक कोर्स के बाद आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। आइए अब कंप्यूटर सीखना शुरू करें। अपने अपने कमर को सीधी करके बैठे हैं, रिलैक्स होकर मत बैठो। अगर हमारी कमर सीधी नहीं होगी तो हमें आलस्य आ सकता है, ठीक है, इसलिए हमें पूरे ही अलर्ट होकर बैठना है। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। क्या क्या सीखेंगे? कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप आपको हम लोग सिखाएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किस भला का नाम है, आपने सुना तो है कंप्यूटर, कंप्यूटर जहां भी जाए वहीं कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, आज इसको हम विस्तार से शुरू करेंगे। कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ये चार बातें अभी आपको सुनाई गई हैं, ठीक है, फिर से रिपीट करोगे। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। कोई भी उपकरण है आपका, उसको सबसे पहले हमें उसको ऑन करना आना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अगर कंप्यूटर को हम या किसी भी उपकरण को प्रॉपर तरीके से उसको चालू नहीं करेंगे तो उसमें वो डैमेज हो सकता है, उसमें खराबी आ सकती है। कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, पहले ऑन करना आना चाहिए फिर उसको बंद कैसे करते हैं, शट डाउन का मतलब उसको बंद कैसे करते हैं, ठीक है। क्या होता है, कोई बच्चा जानता है कंप्यूटर क्या होता है, सुना तो होगा कंप्यूटर कुछ होता है, देखा भी होगा, ठीक है, तो कंप्यूटर होता क्या है ये आप ध्यान से सुनो। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को आसान करती है, इससे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है जो हमारे कार्यों को आसान कर देती है और वो कार्य जल्दी भी कर देती है, आसानी के साथ लेकिन जल्दी भी करती है, वो एक ऐसी मशीन है कंप्यूटर, ठीक है, बोलो। कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक ऐसा उपकरण है जो हमारे कार्यों को आसान करता है और इससे हमारे कार्य जल्दी पूरे होते हैं। अब आपको आगे जो चित्र दिखाए जाएंगे उनको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग किन किन कार्यों में हम लोग कर सकते हैं या किया जाता है, ठीक है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि ये लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। बताइए आप लोग, ये जो सामने आपके चित्र है इसमें क्या क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। हाँ,
सोचो सोचो। एक पेंटिंग बना रही है। हाँ। और एक कंप्यूटर में कुछ देख रहा है। और एक कलर भर रही है। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे एक ही बच्चा नहीं बताएगा, बाकी सभी बताओ। सारे बताएंगे। देखा बताओ क्या लगता है आपको, क्या लेना समझ में आता देख के चित्र? बोलो बेटा। एक मैम पढ़ा रही है ना? हाँ जी बोलेंगे। मैम पढ़ा रही है ना? एक उधर में एक लेडीज है जो सोच रही है, कुछ किसी गहन विचार में है वो, ठीक है, किसी समस्या में फंसी है, उनका समाधान सोच रही है। और साइड में देखो एक और लेडीज है, वो क्या कर रही है? एक चित्र बना रही है, पेंटिंग कर रही है, ठीक है। उसे नीचे आइए, एक जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है वो कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, तो नीचे देखिए। और एक पुरुष एक महिला दो हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कोई चीज सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और इधर देखो ये सर जो है क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप सभी ध्यान से देखें इन चित्र में एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है जो कि उनसे नहीं हो रहा है। इन समझाया, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। सभी चित्रों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह सभी कार्य कंप्यूटर से कर सकते हैं या नहीं? क्या ये सभी कार्य कंप्यूटर से हो सकते हैं? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इन चित्रों को देखने के बाद आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए किया जाता है। अगर किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया कंप्यूटर क्या क्या कर सकते हैं? बताओ क्या क्या कर सकते हैं? आइए अब कुछ और चीजों को देखें। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, गाने सुनना, कैसा भी डॉक्यूमेंट बनाना आगे, और चित्रों को अब तक क्या क्या बताया इसमें? डॉक्यूमेंट्स बनाना, ठीक है। देखें और समझें कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? कंप्यूटर का प्रयोग लाइब्रेरी में हो सकता है? लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय, जहां किताबें होती हैं रखी, जैसी हमारी भी नीचे लाइब्रेरी है, उसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है उनमें कंप्यूटर से ही इसको मेंटेन करके रखते हैं, कौन बच्चा क्या किताब लेके गया, कितने बच्चे किताब लेके गए हैं, कितने बच्चों ने वापसी जमा करा दी हैं, और हमारे पास कुल कितनी किताबें हैं, किस किस सब्जेक्ट की किताबें हैं, वो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है या नहीं? लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग बुक्स की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापिस आई है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप बैंक में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? यस यस। किन किन कार्यों को कर सकते हैं वो आप सुनिए आगे ध्यान से। बैंक कौन कौन गए हैं पापा मम्मी के साथ? बैंक किसने देखा है?
हाथ खड़े करो। जब आप बैंक में गए होंगे तो वहाँ भी आपको कंप्यूटर से मुलाकात जरूर हुई होगी। जी कंप्यूटर से कैसे काम करते हैं वो आप देखिए, बैंक में कंप्यूटर द्वारा क्या क्या काम किया जाता है सुनो। बैंक में आप पैसों की लेन देन की जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। जो भी पैसा जमा होता है निकाला जाता है, जो भी चेक जमा होते हैं या कैश आउट होता है बैंक से, तो उसका सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज सकते हैं। दिए गए चित्र को देखकर बताएं, क्या आप रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? यस सर, यस सर। देखो बैंक में जाते हैं तो कंप्यूटर से मुलाकात होती है, रेलवे स्टेशन जाए वहाँ पे कंप्यूटर मिलता है, क्या क्या काम करता है कंप्यूटर? ठीक है, वो सुनो ध्यान से। या नहीं, रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की टिकट बनाई जाती है कंप्यूटर से। ठीक है, रिजर्वेशन टिकट जो होती है आपकी वो कंप्यूटर द्वारा ही बनाई जाती है, रिजर्वेशन की जाती है। कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कौन ट्रेन कितनी लेट है, ठीक है, कब पहुंचेगी, वो सारी जानकारी हमें कंप्यूटर से द्वारा मिलती है। आइए अब और चित्रों को देखें जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, मेट्रो स्टेशन पर, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। बच्चों लगभग लगभग सभी जगह आजकल छोटी से छोटी शॉप में भी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, रेलवे स्टेशन हैं, हॉस्पिटल हैं, उनमें तो कंप्यूटर होता ही होता है, कई होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि उनमें वहाँ काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ कंप्यूटर भी ज़्यादा ही होते हैं। सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं? गाना सुनने के लिए और खबरें जानने के लिए, समाचार सुनने के लिए, खबरें का मतलब समाचार सुनने के लिए और गाने सुनने के लिए। ठीक है, पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं, टीवी का उपयोग क्यों? रेडियो में और कंप्यूटर द्वारा क्या अंतर हो गया? रेडियो में सिर्फ हम गाना या समाचार सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है, कंप्यूटर में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर पर आप फिल्म और कार्टून्स भी देख सकते हैं। टीवी सभी देखते हैं, सभी परिचित हैं टीवी से, हर घर में टीवी होता है, टीवी पे क्या क्या देखते हो आप लोग? कार्टून, समाचार सुनते भी हैं और देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ठीक है, रेडियो का काम भी कंप्यूटर द्वारा हो गया और टीवी का काम भी कंप्यूटर से ही हो गया। ठीक है, ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग करते हैं? क्या क्या होता है ड्राइंग करने के लिए, हमारे पास क्या होना चाहिए? कलर, पेपर, ड्राइंग शीट, इरेजर, पेंसिल, शॉर्पनर, बोर्ड एंड कलर। ठीक है, ये सब हमारे पास मटेरियल होना चाहिए जब हम ड्राइंग करने के लिए। ठीक है, पहले आप सभी ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग शीट का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं। पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था, गाना सुनना हो, रेडियो चाहिए, ठीक है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग हमें चीज की जरूरत होती थी, अब सारे काम हमारे एक कंप्यूटर द्वारा ही हो जाते हैं। पर अब एक कंप्यूटर के आ जाने से
ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर, मूवी देखना हो तो कंप्यूटर, ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर, कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर, गेम्स खेलना हो तो कंप्यूटर। इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं। किन किन कार्यों के लिए कंप्यूटर कर सकते हैं, का उपयोग कर सकते हैं बताएंगे? अब आप सभी सामने दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? ध्यान से देखो ये चित्र, क्या ये सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जा सकते हैं? दो नहीं कर सकते। दो नहीं कर सकते? कौन कौन से? सर एक तो रोटी बनाना और दोबारा बनाना। क्यों क्यों नहीं कर सकते? सुनो ध्यान से। या नहीं, क्या आप सब कंप्यूटर से दोबारा चला सकते हैं या नहीं? नहीं, नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर से हिसाब जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं? हाँ, क्यों क्यों कर सकते हैं? तो वजह रीजन जानिए क्यों कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, आप कंप्यूटर से अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है, जैसे लैप इसमें मोबाइल में कम होता है आपका कैलकुलेटर, ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है। क्या हम कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या नहीं, आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ड्राइंग सीट यानी कि पेंट की फाइल होती है जिसके बारे में आप आगे सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं? नहीं, नहीं। क्यों? रेखा, कंप्यूटर से रोटियां बनाई जा सकती हैं? बनाई जा सकती है ना? क्यों? गैस चूल्हा नहीं होता है? आटा नहीं होता? चकला बेलन नहीं होता? नहीं। तो शायद ना बन पाती है। या नहीं, आप कंप्यूटर से रोटियां नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर से आप ड्राइंग और हिसाब तो कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर से आप गुब्बारा और रोटियां नहीं बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? यूं तो कंप्यूटर से बच्चों बहुत कार्य हो सकते हैं लेकिन सभी कार्य कंप्यूटर से नहीं हो सकते। जैसे गुब्बारा नहीं बना सकते, रोटियां नहीं बना सकते, गेम तो खेल सकते हैं, ड्राइंग तो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट तो बना सकते हैं, गाना तो सुन सकते हैं, मूवी तो देख सकते हैं, आठ दस कार्य तो कर सकते हैं लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम कंप्यूटर द्वारा नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे सुनेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अब तो सिर्फ आपने ये जाना है कंप्यूटर क्या होता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है, क्या क्या कार्य कंप्यूटर कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ही प्रकार के नहीं होते, कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो अब ये आपके सामने मूवी आएगी, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। होते हैं दिमाग में रखने, कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। अब वन बाय वन इसको सुनेंगे ध्यान से। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर